तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मोशन में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के देखा जाए तो दो फार्मूले बनते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। टी सेकेंड का फार्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और 11th क्लास में तो आप देख ही रहे हो। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इन टी एस सेकेंड। टी एस सेकेंड इसका फार्मूला होता है यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक टी सेकेंड और एक होता है टी एथ सेकेंड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे टी सेकेंड और टी एथ सेकेंड का मतलब क्या होता है। टी सेकेंड और टी एथ सेकेंड, तो देखा जाए तो टी सेकेंड और टी एथ सेकेंड में यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ। 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये हमारा है टाइम। अगर हम 5 सेकेंड की बात करें और 5th सेकेंड, दो बात करेंगे यहाँ पे, 5 सेकेंड और 5th सेकेंड। तो 5 सेकेंड हुआ 0 से लेके 5 तक, ये हुआ 5 सेकेंड। 0 से लेके 5 तक 5 सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 0 से लेके 5 सेकेंड माइनस 0 से लेके 4 सेकेंड। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा ये, इसको बोलेंगे 5th सेकेंड। 5th सेकेंड ये जो जर्नी है ये, इसको बोलेंगे 5th सेकेंड। उसी तरीके से अगर हम टी सेकेंड और टी माइनस 1 सेकेंड की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर हम बात करेंगे कि 5th सेकेंड, इसका मतलब होता है 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड। इसका मतलब ये नहीं कि ये वन सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड वो डिफरेंस गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें 3rd सेकेंड, 3rd सेकेंड का मतलब होगा 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। 4th सेकेंड, 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड। इस तरीके से ले जाए सेम। अगर हम टी एथ सेकेंड की बात करें, टी एथ सेकेंड तो ये होगा टी सेकेंड माइनस टी माइनस 1 सेकेंड। इसका मतलब ये होता है। अब आइए हम देखते हैं ये वाला फार्मूला हमारा बना कैसे। ये डिस्प्लेसमेंट इन टी एथ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन टी एथ सेकेंड का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन टी माइनस 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन टी एथ सेकेंड, टी एथ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन टी माइनस 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड का फार्मूला होता है हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट इन टी माइनस 1 सेकेंड। तो यही फार्मूला लगेगा, जहाँ पे टी सेकेंड है वहाँ पे टी माइनस 1 सेकेंड हो जाएगा। यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो, यू टी माइनस यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस ए टी बचेगा यहाँ पे। इसको ओपन कर लेते हैं ये ब्रैकेट को, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस यू टी हो जाएगा, माइनस यू ये प्लस यू बन जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस ए बाई टू प्लस ए टी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस यू टी या प्लस यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गए, बचा क्या यहाँ पे, यू प्लस ए टी माइनस ए बाई टू। अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं यू ए
यहाँ पे बचेगा ये टी माइनस वन बाई टू। अगर इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो यू प्लस ए ये हो जाएगा टू टी माइनस वन बाई टू, यही होता है डिस्प्लेसमेंट इन टी या सेकेंड। ये फार्मूला बन के आ गया।